दर्शकों नमस्कार, खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपका होस्ट संजय मिरे। दर्शकों, आज मुझे बताते हुए बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि आज इनविजन के स्टूडियो में खास मुलाकात इस कार्यक्रम के लिए शहर के एक ऐसे जाने माने अधिवक्ता यहां पर मौजूद है। मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा कि आप है आदरणीय योगेश जी नय्यर साहब। दर्शकों, जैसे कि हमारे खास मुलाकात इस कार्यक्रम की यह परंपरा होती है कि जब भी कोई हमारे मेहमान आते हैं उनका हम इंट्रोडक्शन जरूरी है कि हमें देना होता है। ऐसा इंट्रोडक्शन हम आपको देने जा रहे हैं। आप पिछले 26 वर्षों से अधिवक्ता के तौर पर कामकाज कर रहे हो। आपने लॉ की पढ़ाई नागपुर से की है और आप लगभग सभी केसेस को न्याय देते हो। आप सामाजिक, शिक्षा, क्रीड़ा, सांस्कृतिक और हेल्थ और सोशल कामकाज के प्रति अच्छा कामकाज आप करते हो और भारत देश के प्रति निरंतर आपका ये कामकाज भी शुरू है। सुप्रीम कोर्ट हो, बॉम्बे कोर्ट हो, उत्तराखंड कोर्ट हो, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हो या साउथ में आने वाले केरला कर्नाटक हाई कोर्ट में भी आपने अब तक कई मामलों में पैरवी की है और पक्षकार को न्याय भी दिला चुके हैं। सर, आप मेंबर भी हो और पूरे विश्व के कायदे कानून की आप समीक्षा भी करते हो, जैसे कि साथ ही आपने इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट लंदन के आप मेंबर भी हो और पूरे विश्व के कायदे कानून की आपने काफ़ी अच्छी समीक्षा भी की है और आप क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर लॉयर हो और आप केसेस की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करते हो, यह सबसे बड़ी बात है। तो दर्शकों, ऐसी पर्सनैलिटी के मालिक नागपुर के अधिवक्ता योगी जी नय्यर साहब आज हमारे साथ इस स्टूडियो में आए हुए हैं। आज हम नय्यर साहब से ये बात करेंगे कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि भारत की वर्तमान स्थिति, नोटबंदी, कोरोना संक्रमण, बढ़ते गोल्ड की कीमतें, न्यायपालिका की भूमिका और आदि टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम खास मुलाकात इस कार्यक्रम में। सर, कार्यक्रम की शुरुआत में मैं फिर से एक बार तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ और बढ़ते हैं इस कार्यक्रम का पहले सवाल की ओर। तो ये रहा आपके लिए पहला सवाल। सर, भारत की यदि पूर्व परिस्थितियाँ देखी जाए तो आपको क्या लगता है कि भारत की जो पहले की जो पूर्व परिस्थितियाँ क्या थी और आज भारत की जो आर्थिक परिस्थितियाँ क्या है, किस दिशा में भारत जा रहा है, ऐसा आपको लगता है? सर, भारत की पूर्व परिस्थितियों को अगर आप देखें तो कई सालों से अगर आप देखें तो भारत बोझ के तले तो दबा ही हुआ था जी। ऐसा नहीं है कि भारत ने प्रगति नहीं की है। इंटरनेशनल मार्केट में भी अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में भी प्रगति की इंडिया ने, और उन परिस्थितियों के बाद में जो बदलाव आने शुरू हुए, सबसे बड़ा बदलाव जो आया तो वो आया 2016 के बाद जी। तो 2016 में जिस तरीके से डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो डिमोनेटाइजेशन ने जो है उसने भारत की कुछ हद तक कमर तोड़ के रख दी, बिल्कुल मेरे हिसाब से, मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से। और जो नहीं होना चाहिए था वो ये था कि भाई इंडिया को आगे लेकर के जाना था, भारत ने आगे जाना चाहिए था, बट भारत जो है वो उस डिमोनेटाइजेशन की वजह से जो है कम से कम 30-40 साल पीछे चला गया। मतलब हम भले ये समझ करके चलें कि 2016 में जो है हम 1970 के दशक की जो है स्थिति में जी रहे थे, यानी बहुत ज़्यादा पीछे है। उस लिहाज से अगर आप देखें तो सन 1970 का जो दशक हुआ करता था, मैं एक एग्जांपल दूंगा, जैसे कई बार हम लोगों के क्लाइंट्स वगैरह भी हमसे डिस्कस करते हैं, तो 1970 के दशक में आपको भी ध्यान में होगा संजय जी के आपके माता पिता भी जो हैं वो थे, मेरे भी माता पिता थे, बाकी सब जो हैं सबके थे। तो हमारे सब पास में उस समय में क्या हुआ करता था भाई, घर छोटे हुआ करते थे जी, ठीक है, गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, माता पिता के पास में साइकिल या स्कूटर हुआ करते थे, खाने के लिए बहुत ज्यादा वो नहीं था, जमीनों पे जो है दरियां डाल करके, चादरें डाल करके जो है सोया करते थे, ठीक है। आज आप 2016 को देख लें, लोगों के पास में बड़े मकान है, साइकिल स्कूटर की जगह लोगों ने गाड़ियों में घूमना शुरू कर दिया, दरियों की जगह जो है लोगों ने क्या कहते हैं बड़े बड़े डनलप के गद्दे कह लो आप, उनके ऊपर में सोना शुरू कर दिया। मगर आप यदि परिस्थिति देखें मेन, तो खाने के लिए जो है लोगों के पास में निवाले वही हैं जो सन 1970 में हुआ करते थे, यानी परिस्थितियों में काफी बदल हो चुका है ऐसा। और उसका और सबसे बड़ा मुद्दा कैसा हो गया है कि इन परिस्थितियों में भारत ने जो आगे जाना चाहिए था वो आगे ना जाकर के जो है वो पीछे आने का पाठ करना शुरू हो गया। मेरा दूसरा सवाल ये था कि जिस प्रकार से पूरे विश्व में
जी जो कोरोना का जो फैलाव है या कोरोना महामारी ने जो अपने पांव पसार दिए हैं और अब तक के इस महामारी ने, क्योंकि आप देश विदेश का दौरा करते रहते हो, तो मेरा सवाल ये आपसे था कि पूरे विश्व में फैली कोरोना की इस महामारी ने अब तक के कितने देशों को अपने चपेट में लिया है, और जहां भारत की हम बात करें तो भारत के राज्य और नागपुर शहर के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, कोरोना जिस तरीके से कहा जा रहा कि भाई कोरोना की शुरुआत जो है वो चाइना से हुई, ये सब ये तो जग विदित हो चुका, जिसके लिए जो है अमेरिका ने अपना जो भी उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट करनी थी वो स्टार्ट कर चुके हैं वो लोग जी। कई देश जो हैं वो चाइना के अगेंस्ट में खड़े होने शुरू हो चुके हैं। शुरुआत चाइना से ही हुई, चाइना ने कहा कि हमारे यहाँ ख़त्म हो चुका। ऑन द कॉन्ट्ररी, पिछले महीने भी यदि आप देखें तो उनके यहाँ फिर से जो है कोरोना जो है वो राइज होना शुरू हो चुका है जी। रहा सवाल देशों का, तो ऐसा कोई देश नहीं बचा हुआ, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, कनाडा है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, श्रीलंका है, तो सारे तकरीबन सारे जितने देश हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, सभी देशों में कोरोना ने अपने पैर पसारे हुए हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है कि ये जिस तरीके से लोगों ने ट्रांजिट करना शुरू किया, हमारे यहाँ लोग आने शुरू हुए हैं, बाहर के देशों से हमारे यहाँ लोग आने शुरू हुए जी, तो उसकी एंट्री हमारे भी देश में हो गई बिल्कुल, और देश के साथ राज्य और देश के साथ ही साथ जो है तो वो ना ही सिर्फ सारे देश में फैलना शुरू हुआ, सबसे बड़ा मुद्दा ये आ गया कि भाई आज जिस तरीके से महाराष्ट्र को यदि हम देखें, बॉम्बे फाइनेंशियल कैपिटल है हमारे देश का जी, और सेकंड फाइनेंशियल कैपिटल जो है वो दिल्ली आता है, तो सबसे बड़ी जो है इम्पैक्ट आ गया वो महाराष्ट्र के ऊपर में आया, महाराष्ट्र में जो है वो बॉम्बे में आया। उसके साथ ही साथ अब हम हमारे अगर शहर को देखें तो नागपुर में अपने पैर पसारने शुरू करे हुए हैं। लोगों की जो धारणा है कि नहीं कोरोना ऐसी नाम की कोई चीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, लोगों की धारणा बहुत गलत है, जबकि कोरोना बड़े पैमाने पे बढ़ चुका है, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर में बढ़ा हुआ है। स्टैटिस्टिकल फिगर्स कितने हैं ये एक्चुअली लोगों को भी नहीं पता है, और मैं खुद भी नहीं कह सकता कि इसके एक्चुअल स्टैटिस्टिकल फिगर्स क्या होंगे, बट हाँ इतनी मैं जरूर बात कह सकता हूँ कि कई लोगों की इसमें मौतें हो चुकी हैं जी, क्यों हमारे भी कुछ करीबी हैं जिनकी फ्रांस में जो है मौत हुई इसमें जी। मेरी एक छोटी सिस्टर है, उसकी जो फ्रेंड है वो उनकी भी मौत हो गई, उनकी आंटी की भी मौत हो गई है। और लोग यदि समझ रहे हैं कि भाई नहीं कोरोना से जो है हम बच सकते हैं, तो इतना आसान नहीं है, मतलब कहना नहीं कि ये डराने वाली बात नहीं है, और हम खुद अगर सजग होकर के अभी नहीं चलेंगे। मैं सजग के ऊपर मैं आने वाला हूँ सर, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल ये भी बनता है कि सर आज आपने जिस प्रकार से ये तमाम देश विदेश को लेके भारत राज्य और नागपुर शहर के बारे में जो रोशनी डाली है, सर इसी को लेके मेरा एक मुद्दा ये भी है कि सर आपको ये नहीं लगता है कि शहर का फिर जिला प्रशासन हो, मनपा प्रशासन हो, या हो फिर पुलिस प्रशासन, इनका किस दिशा में कैसा कामकाज चल रहा है, और क्या आप इससे, आप यानी पूरे नागरिक शहर की बात करने जा रहा हूँ, क्या आप इससे पूरी तरह से समाधानी हो? देखिए, मैं मेरे समाधान की बात अपनी जगह होती जी, ठीक है, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, बट हम सामाजिक तौर पर यदि बात करें तो जिस तरीके से आपने कहा कि भाई जिला प्रशासन हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, बाकी के लोग हो गए, वो लोग तो अपना योगदान कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं आज पूरे वर्ल्ड के अंदर में कह लो, देश के अंदर कह लो, यहाँ हमारे शहर में कह लो, डॉक्टर्स रात दिन मेहनत कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं जी। पुलिस प्रशासन लगा हुआ कि भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए, भाई ये फैले नहीं, किसी तरीके से कंट्रोल करें। मनपा की बात अगर करते हैं तो मनपा भी वही कर रहा है आज पूरे उस तरीके से देखा जाए तो ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है। ड्यूटी परफॉर्म नहीं अगर कोई कर रहा है तो वो है हमारा समाज, मैं सीधी सिंपल बात बोलूंगा, एंड दैट इज अ फैक्ट। मैंने खुद ने देखा, एक दिन जब मैं डॉक्टर साहब के पास में जा रहा था, मुझे चेकअप कराना था, मैं लोगों को घूमते हुए देख रहा हूँ। ये समय इस तरीके का नहीं है कि आप वहां घूमने के लिए निकले हुए हैं, कि मूवी देखने जा रहे हैं, बगीचे में घूमने वाली बात नहीं है। लोग खाली सड़कों को जो है वो देखने के लिए जा रहे हैं कि खाली सड़क कैसी लग रही है, खाली सड़क कैसी लगती है। आप यदि सोचें कि भाई कोरोना जहां महामारी आपके देश में फैल चुकी है, आपके राज्य में आ चुकी है, आपके देश में आ चुकी है, देश में कहता हूं, आपके शहर में आ चुकी है, शहर से आपके घरों के पास में तक आ चुकी है, शहरी और ग्रामीण दोनों इलाके उसके दोनों इलाकों में सारा वही मैं कह रहा हूं, मेरा कहना वही है कि भाई आपकी अपनी क्या पर्सनल जिम्मेदारी बनती है, आप क्या कर रहे हैं,
यानी आप कहीं ना कहीं शहर के नागरिकों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल है, आज मैं भी अगर एक नागरिक हूं तो मेरी अपनी एक जिम्मेदारी है। मैं इस तरह ये नहीं कह सकता हूं कि भाई नहीं मेरी जिम्मेदारी नहीं है, सरकार करेगी। सरकार कहां तक करेगी? अगर मैं अपना योगदान नहीं दूंगा, मैं खुद अगर अलर्ट होकर नहीं चलूंगा तो सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है। मैं इस विषय के और आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले सर मेरा एक सवाल ये था कि और मैं संतुष्ट हूं कहना चाहूंगा ऑनेस्टली कि भाई जिस तरीके से जिला प्रशासन, मनपा, पुलिस डिपार्टमेंट, मनपा डॉक्टर्स, आई एम रियली वेरी हैप्पी, क्योंकि उस तरीके का डिवोशन और डेडिकेशन नॉर्मल आदमी में नहीं होता, भले ही वो उनकी जो है बाउंडेड ड्यूटी हो, बट वो कर रहे हैं। सर आपने जिस तरह से कहा कि मनपा प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, डॉक्टर, नर्सेस, यानी जो भी है हॉस्पिटल जो करते हैं, लेकिन मीडिया की क्या, मीडिया की क्या भूमिका है आपको लगता है? सर मीडिया देखिए, मीडिया अपने आप, जैसे आप आपके चैनल की बात करें, अदरवाइज नहीं लीजिएगा, बहुत मैं बायस नहीं हूँ, बहुत न्यूट्रल बंदा हूँ। मीडिया ने हमारे यहाँ इस तरीके से हालात बना करके रखे हुए हैं, जो एक्चुअल है पोजीशन वो तो बताओ, बिल्कुल हकीकत बयान करिए, लोगों से छुपाओ मत, लोगों को डराने वाली बात नहीं है। सही बात। आज हमारे पास में आप जैसे हैं, आज आपने हमें बुलाया हुआ है, ठीक है, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ काफी उस लिहाज से देखा जाए, देश में और संसार में तो ऐसे बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं। यदि हम 1964 और उस समय का जमाना देखें तो प्लेग आया हुआ था जी। तो उस समय कहाँ था ये सब, मगर आज इंटरनेट है, मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, ये सारी जिस तरीके से जो गैजेट्स आए हुए हैं और बाकी चीजें अवेलेबल हैं, तो उसका प्रचार और प्रसार यदि आपको करना है तो एक पॉजिटिव वे में करो। बिल्कुल, और यही काम हम निरंतर करते हैं, हमारा जो कामकाज होता है पॉजिटिव वे में होता है। दर्शकों मैं आपको बता दूं कि ये खास मुलाकात जो आप प्रोग्राम देख रहे हो, अब तक के जो आंकड़े जो हमारे पास पहुंच चुके हैं, 7,747 लोग शहर के पूरी तरह से कोरोना से संक्रमित है, पॉजिटिव है, तो वही 269 लोगों की मौत हो चुकी है। ये खबर जब तक आप देख रहे हो तब तक, हो सकता है कि ये खबर होने के बाद, क्योंकि हर एक सेकंड हर एक मिनट में आंकड़े बढ़ रहे हैं, आप जब देखोगे तो ये नतीजे, ये आंकड़े और भी बढ़े हुए दिखेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मीडिया ने हमें दिशा भूल किया है, क्योंकि अब तक के जो आंकड़े आए हैं हम उसके बारे में बता रहे। फिर से एक बार मैं दोहरा दूं कि 269 लोगों की मौतें हो चुकी है, 7,747 लोग पूरी तरह से संक्रमित है। सर जैसे कि ये तो आपने जो बात कही ये तो अलग कोरोना का पार्ट हुआ, और आपने कहा पीछे मीडिया के बारे में जो बात की, तो हो सकता है क्योंकि कुछ ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर भी जो कामकाज कर रहे हैं उन लोगों में अफवाह का बाजार भी तेज होता है ऐसे में, लेकिन जहां इन BCN न्यूज चैनल की बात करें हम पूरी तरह से ऑथेंटिक जानकारी देते हैं। और सर और हमारे जो रिपोर्टर्स है, कैमरा पर्सन, वो जमीन से जुड़े हुए कामकाज करते हैं, पल पल की जानकारी अपडेट लेना, क्योंकि हमारे लाखों करोड़ों दर्शक है उन तक के सटीक सही जानकारी देना यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है, और इसी दायित्व को निभाते हुए इन BCN की पूरी पूरी टीम लगातार कामकाज कर रही है। सर कोरोना का तो ये जो पार्ट का है ये तो अलग पार्ट है, लेकिन सामाजिक सजगता की यदि आप बात करें, जिस प्रकार से आपने कहा कि हर किसी को सजगता से रहना होगा, तो लेकिन सामाजिक सजगता की यदि बात करें तो हमारे देश में लोगों का नजरिया किस दिशा में दिखाई दे रहा है, क्या सक्रिय है या निष्क्रिय है? व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट ऑन इट? सी सामाजिक तौर पे अगर देखें तो हमारे देश के लोग जो हैं वो कितने सक्रिय हैं और निष्क्रिय हैं, ये तो हमारे देश की जनता भी जानती है जी, कहना नहीं चाहिए। मतलब देश के लोगों का हमारे योगदान जी जो है काफी चीजों में बहुत कम है, नहीं अच्छा लगता कहना, एंड स्पेशली बीइंग अ लॉयर या और मैं खुद एक सिटीजन हूं इस कंट्री का, बट देन हम कहते जरूर हैं कि भाई नहीं हम सजग हैं भी, आप सजग हैं तो आप कर क्या रहे हैं? एक जनरल है, साधारण सी बात होती है, सर हम हमारा परिवार होता, हमारा घर है, परिवेश है जहाँ हम रह रहे होते हैं, ठीक है, तो उस परिवेश को हम साफ सुथरा रखते हैं, क्यों? तो वो हमारा घर है। मेरा सीधा सिंपल एक कहना है कि जहाँ हम बैठ करके आप जैसे खाना खा रहे हैं भाई, आप भले ही आप अपने रसोई घर में, किचन में खाना खा रहे हैं, या डाइनिंग टेबल पर बैठ के आप अपने ड्राइंग रूम में खाना खा रहे हैं, कहीं भी हैं, जो भी आपका परिवेश है, हालात हैं, उनसे कोई मतलब नहीं रहता है। एक साधारण बात है
वहां आप बैठ करके जहां आप खा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं वहां गंदगी तो आप नहीं रखोगे। जब आप उस चीज का ख्याल रख सकते हैं तो क्या एक नागरिक होने के तौर पे हमारे देश के सभी नागरिकों का फर्ज ये नहीं बनता कि भाई जिस तरीके से हमारा घर जो है वो हमारा घर है, एक मकान नहीं होता है, वो हमारा घर होता है, उसके चारों तरफ की बाउंड्री यदि आप देख लें तो वहाँ हम पेड़ पौधे लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, भाई कोई आएगा तो भाई साफ सुथरा लगना चाहिए। क्यों? तो भाई आप किस तरीके के इंसान है वो उससे पता चलता है। और जहां सवाल आ जाता है कि भाई आप अपने घर के दायरे के बाहर जब आप निकलते हैं तो वहां जब आप देखते हो तो वहां आपको गंदगी यदि दिखाई देती है, यानी आपका ये साफ मतलब है कि अपने घर का कूड़ा कचरा हम अपने घर के डस्टबिन में न डालते हुए लोगों के डस्टबिन में या उनके दरवाजे के पास फेंक देते हैं। देखिए मैं एक बात कहूंगा आपसे संजय जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया हुआ है कि सामाजिक सजगता और समाज के लोगों की अपनी सजगता, कर्तव्य निष्ठा सिर्फ जो है आप सरकार या सरकार के डिपार्टमेंट्स या उन लोगों से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो सर, वो एक्सपेक्टेशन आपकी वो जिम्मेदारी आपकी अपनी स्वयं की भी है। अगर मैं हूं तो मेरी जिम्मेदारी अपनी अपनी ना ही सिर्फ अपने समाज के प्रति बट अपने देश के प्रति भी है। जिस तरीके से मेरा घर है तो मेरा देश मेरा घर है, तो मुझे उस चीज को ध्यान में रख करके काम करना होगा, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं चाहे दुनिया के बाकी सारे देश के जितने नागरिक हैं। यदि हम उस चीज की सजगता नहीं रखते हैं, कर्तव्य निष्ठ होकर के हम उस बात को अगर नहीं समझते कि हम हमारे घर को हमारे देश को साफ सुथरा रखें। बिल्कुल, और इसके लिए पहली प्राथमिकता देना चाहिए देश को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए, हमने पुरजोर कोशिश करना चाहिए, काफ़ी अच्छे प्रयास भी करना चाहिए, क्योंकि जब तक देश की स्वच्छता नहीं होगी और जहाँ कूड़ा कचरे का आलम तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, ऐसे में इन कूड़े कचरे को कूड़ा कचरे को दूर कर सकते बशर्ते हमें कामकाज करना होगा। और साथ ही साथ एक बात सर ने काफी अच्छी कही कि हमें सजगता से रहना होगा। देखिए सर, बीच में बोल रहा हूँ संजय जी, बुरा नहीं मानिएगा, देखिए स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च करती है, स्कीम्स लॉन्च की जाती है समाज के लिए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना प्रतिशत हो रहा है ये भी डिपेंड करता है, प्लस लोग जैसे आपने कहा कि समाज के लोगों की अपनी सजगता, भाई स्कीम है तो आपका भी अपना कर्तव्य है, आप भी अपना भाग निभाएं, जाएं पता करें जी, डोर टू डोर हर चीज जो है डोर टू डोर नहीं हो सकती है, कोई बुक सेलिंग या प्रोडक्ट सेलिंग का काम नहीं है, दीज आर स्कीम्स बेसिकली, और स्कीम्स अगर लॉन्च हो रही हैं तो लोगों का अपना कर्तव्य है वो भी पता करें। यदि आप नहीं पता चल रहा है तो आप दूसरे जो तरीके हैं उनका इस्तेमाल करें और पता करके उनको इस्तेमाल करें, उन स्कीम्स को आपको भी तो इम्प्लीमेंट कराना है। यदि आप खुद नहीं उस चीज में पार्टिसिपेट करोगे, एक्सपेक्ट करोगे कि नहीं गवर्नमेंट ने बोला हुआ है गवर्नमेंट करेगी, जैसे कचरे का डिब्बे वाली गाड़ियां हैं मनपा जैसे काम कर रही, भाई मनपा काम कर रही है कोई दो राय नहीं है उसमें, बट कचरा उठा करके आपके घर से लेकर के आना और गाड़ी में डालना ये भी तो आपका फर्ज है, कि वो भी काम आप एक्सपेक्ट करोगे कि जी मनपा का जो काम करने वाला बेचारा जो इंसान है बंदा बेचारा जो काम करता है वो आपके घर के अंदर आए वो अपना कचरा उठाए आपका और वो लेकर के जाए, वो तो जिम्मेदारी आपकी है। बिल्कुल, और हर किसी ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी के साथ निभाना होगा। दर्शकों इस समय में खास मुलाकात इस कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। इन 20 या न्यूज चैनल अब पहुंच चुका है लाखों से भी अधिक घरों तक, आपको हर खबर से रूबरू करवाना है हमारी जिम्मेदारी। हमारी हर न्यूज देखने के लिए आप देखिए इन केबल के सेट ऑफ बॉक्स चैनल नंबर 746, BCN के सेट ऑफ बॉक्स 746 और ABS केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 101 पर। साथ ही आपके मोबाइल में भी हर खबर से आप रूबरू हो सकेंगे YouTube, Facebook और Instagram पर। चौबीस घंटे न्यूज देखने के लिए डाउनलोड करें हमारा ऐप। मोबाइल में 24 घंटे आपको मिलेगी राजनीति, क्राइम, बॉलीवुड, स्पोर्ट्स और मौसम समेत देश विदेश की तमाम खबरें। प्ले स्टोर पर जाकर ताजा खबरों के लिए इंस्टॉल करें NBCN न्यूज ऐप। इंस्टॉल द ऐप नाउ NBCN न्यूज।
ब्रेक के बाद फिर से एक बार खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आपका स्वागत। जिन्होंने अभी भी अपने टीवी से शुरू किया उनको लिए मैं बता दूं कि दर्शकों आज इनविजन के स्टूडियो में खास मुलाकात इस कार्यक्रम के लिए शहर के एक ऐसे ख्यातनाम और सुप्रसिद्ध अधिवक्ता योगेश नैयर साहब आए हुए, जिनसे हमने ब्रेक पर जाने से पहले एक तमाम टॉपिक पर बात की। ब्रेक के बाद फिर से एक बार मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, सर आपका भी स्वागत करता हूँ, और बढ़ते हैं अपने उस सवाल की ओर जो ब्रेक पर जाने के बाद हम पूछने वाले थे। सर, भारत में साक्षरता का काफ़ी अभाव है, ऐसा आपको नहीं लगता है क्या? और दूसरा सवाल ये है, यदि भारत में साक्षरता का अभाव है, ऐसी परिस्थितियों में एजुकेशन जो हमारा सिस्टम है वो अपना कितना कर्तव्य निभा रही है या कितना योगदान देकर अपना फायदा कर रही है? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि आप मतलब आपकी बात मतलब हम सारे जो हैं देशवासी साक्षरता का मतलब किस तरीके से लेते हैं। साक्षर का मतलब है कि भाई जो इंसान एक समझदार है, पढ़ा लिखा है, उतना पढ़ा लिखा है कि उसको बाकी की चीजें, नॉर्मल चीजें जो है वो समझ आती हैं। साक्षरता का मतलब ये नहीं है कि आपने एजुकेट किया हुआ है सारा। हर इंसान को आप एजुकेट कर दो ये तो मुझे नहीं लगता मुमकिन है। और इतने सालों से हमारे देश के अंदर में साक्षरता मिशन भी चल रहा है जी। हमारे देश का साक्षरता मिशन जो है वो कितना सक्सेसफुल हुआ उसके ऊपर ना तो मैं कमेंट कर सकता हूँ, ना मैं कमेंट करूंगा, ना मुझे उसके स्टैटिस्टिक्स पता है कि भाई कितने परसेंट लोगों को साक्षरता मिशन में लोगों को पढ़ाया गया, सक्सेसफुल कितने हुए हैं, उन लोगों की परसेंटेज कितनी है। ये सबसे बड़ा मुद्दा एक वो अलग हो जाता। बट बावजूद उसके, जैसे आपने कहा कि साक्षरता जो है और एजुकेशन सिस्टम का सवाल, सी एजुकेशन सिस्टम बेसिकली इस तरीके का नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ देश में लोग जो हैं ये समझ करके चले कि आप जैसे जय जवान जय किसान वाला जो हमारा देश हुआ करता था और आज भी है, ये नहीं है कि वो परिस्थितियाँ बदल गई हैं जी। मोस्टली जो हैं जो हमारे देश के वासी हैं वो जो वो गाँव में रहते हैं, पहाड़ों में हैं, गाँव में हैं, उन तक हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना पहुंच रहा है, उनको अवेलेबिलिटी कितनी है एजुकेशन की जी, ये सबसे पहला मुद्दा। दूसरा, जो 60-70% कहा जाता कि भाई हमारे देश के लोग जो हैं वो अनपढ़ हैं, बिल्कुल भाई अनपढ़ हैं, ठीक है मान ली बात, अनपढ़ का मतलब ये हुआ कि भाई वो पढ़ा लिखा नहीं है, अपने दस्तखत नहीं कर सकता या जो है बट बातचीत कर सकता, समझदार है, दिमाग उसको जो है भगवान ने दिया हुआ है उसका इस्तेमाल करता है। वही अनपढ़ इंसान यदि आप देखें, अगर खेती करने वाला है, किसान है, तो वो वही अनपढ़ इंसान किसान खेती कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा मुद्दा ये सबसे बड़ा आ जाता है कि भाई जैसे हमारे यहाँ है किसान है, साक्षरता की बात कर रहे हैं कि भाई इनको साक्षर करना है। साक्षर करने का मतलब ये नहीं कि आप उनको सिर्फ पढ़ा दो, पढ़ा देने के बाद में क्या वो सिस्टम जो एजुकेशन आप दे रहे हैं क्या वाकई में वो उपयोगी है, क्या वो वाकई में उपयोग में ला रहे हैं लोग, और उसका कितना इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है। That's the point. आज हमारे देश के अंदर में यदि आप देखें तो लोग कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, मानता हूं आप पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इंजीनियरिंग आपने की हुई है, मेडिकल साइंसेज में आप गए हुए हैं, सब कुछ है, बट देन अल्टीमेट पार्ट इज व्हाट कि भाई अल्टीमेट पार्ट आपका जो है जो एजुकेशन आपने ली हुई है वो एजुकेशन जो है जी इट इज नॉट एक्चुअली एजुकेशन। आप यदि आप उसे देखें वो आपका अर्निंग सोर्स का पार्ट हो गया है। एग्जैक्टली, दैट इज बेसिकली योर सोर्स ऑफ अर्निंग, दैट इज नॉट योर एजुकेशन, दैट इज योर एकेडमिक्स। एकेडमिक्स इज नॉट एजुकेशन। साक्षरता जिसे कहते हैं कि भाई आपने पढ़ाई करी, उस पढ़ाई से आप अपने आप को कितना परसेंट रिफाइन कर रहे हैं, किस तरीके के आप इंसान हैं, आपकी बोलचाल में कितना फर्क पड़ा हुआ है, आपकी सोच में कितना फर्क पड़ा हुआ है, देश के प्रति आपकी कितनी सजगता है, देश के प्रति आप कितना जो है बलिदान कर सकते हैं, आप कितना खड़े रह सकते हैं। साक्षरता उसका मतलब है, वो उस चीज को बोलते हैं साक्षर। आज हमारे देश के अंदर में यदि देखा जाए, एक जनरल है, मैं कहना नहीं चाहूंगा, बट देन दिस इज अ रियलिटी कि भाई हमारे देश के अंदर में लोग जो हैं, कब जैसे 15 अगस्त आने वाला है जी, ठीक है, साक्षरता की बात आप झंडे फहराते हैं, झंडे फहराएंगे लोग, झंडे लगाएंगे भी,
फ्लैग पोल के ऊपर में लगेंगे, फ्लैग पोल के ऊपर झंडे लगेंगे, लोगों ने कागज के झंडे भी वो करने। आप एक बार देखिएगा हमारे देश के अंदर में दूसरे दिन वो झंडे जो है सड़कों के ऊपर में दिखाई देते हैं। किस देश के अंदर में ये चीज आपको देखने को मिलती है? और इन्हीं झंडों को हम न्यूज बनाते दूसरे दिन, और इस तरीके तो ही नहीं होना चाहिए। मुद्दा सिर्फ वो नहीं है, मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि भाई तोहीन का या उसका ये न्यूज बनाते हैं। मुद्दा ये है कि उन झंडों को लात मारा जाता है। बिल्कुल, जिस देश के अंदर में जिस देश के नागरिक अपने देश की जो सभ्यता है और अपने देश का झंडा है, ठीक है, नेशनल एंथम है, यदि आप उसकी रेस्पेक्ट नहीं करते हो तो मैं तो नहीं कहूंगा कि आप साक्षर हैं। आप सिर्फ एकेडमिकली क्वालिफाइड हो। हमारे देश के जो नागरिक हैं, मैं मेरे को इंक्लूड करता हूं, बट देन यस, मैं अपने लिए बोल सकता हूं कि मैं अपने तरफ से जो है कोशिश वही करता हूं कि नहीं, इफ आई एम एकेडमिकली क्वालिफाइड देन आई नीड टू बी एजुकेटेड एज वेल, कि मुझे वो चीजें मेरे बच्चों को देनी है, आगे में मेरे को संस्कार देने। साक्षरता आपकी सिर्फ जो है सिर्फ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड नहीं है, आपके संस्कार हैं, बाकी की चीजें हैं, देर आर मेनी थिंग्स विच आर एसोसिएटेड। तो आप कैसे उसको करोगे, किस तरीके से पढ़ाओगे? और एजुकेशन सिस्टम जो है, एजुकेशन सिस्टम आपको एजुकेशन तो दे रहा है बट आपका पर्सनल पार्ट, मैंने डिग्री ले लिया, सब कुछ कर लिया, आज मैं इंजीनियर हूं। कल ही जो है, मतलब एक लाइव एग्जाम्पल है, कल मेरा भांजा जो है इंजीनियर बना, ठीक है, नाउ ही इज बिकम एन इंजीनियर, नो डाउट, बट देन क्या आप उस एजुकेशन को, मैं मानता हूं कि भाई बीइंग एन इंजीनियर आप इंजीनियरिंग के जो फंडामेंटल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो अपनी जिंदगी में नहीं लागू कर सकते, बट क्या हमारी एजुकेशन जो हमने ली है, क्या हमें रिफाइन करने का मौका नहीं देती, हम में फेरबदल लाने का मौका नहीं देती? हम क्यों साफ सुथरे रहते हैं? बस मेरा ये कहना था कि जिस प्रकार से आपने साक्षरता को लेकर और एजुकेशन सिस्टम किस दिशा में कामकाज कर रहा है, और एजुकेशन का मतलब क्या होता है, एजुकेशन लेना क्या होता है, और एक बीच में अब मैं कहना चाहूंगा, दूसरा मुद्दा कैसा है संजय जी, कि हमारे यहाँ कम्युनिटी का पार्ट नहीं है, या जैसे सामाजिक, एक समाज का जो पार्ट है जैसे फॉरेन कंट्रीज में है, तो हमारे यहाँ लोग जुड़ करके जुड़ेंगे कब, कि भाई जब कोई फंक्शन है, जैसे अब गणेश चतुर्थी आ रही है, भगवान जी विराजेंगे, तब उन्होंने जुड़ना है, बट अदरवाइज आप सामाजिक तौर के ऊपर में आप बोल लो, मेरे पड़ोस में यदि कोई है या आपके पड़ोस में कोई है, वो समाज के पूरे एक दायरा जो है, जैसे 100 लोग रह रहे हैं, तो वो मिल करके आप वहां उनको क्या करते हुए देखते हो? कुछ भी नहीं। कंस्ट्रक्टिव क्या है? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल, इट्स एब्सोल्युटली जीरो। तो आपका एजुकेशन सिस्टम जो है वो भी वहां फेल हो रहा है, सामाजिक तौर पे यदि देखा जाए तो जो नागरिक हैं वो भी फेल हो रहे हैं टोटली। हम बोलते जरूर हैं नहीं वी आर एजुकेटेड, बट आई मस्ट नॉट से वी आर नॉट एजुकेटेड, वी आर ओनली एकेडमिकली क्वालिफाइड। बिल्कुल, और ये जो एकेडमिकली क्वालिफाइड जो होना है, ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि अपने परिवार का और अपना गुजर बसर करने के लिए भी वो जरूरी है, लेकिन उससे भी एक कदम बढ़ाते हुए सरन जिस प्रकार से जो एजुकेशन के बारे में कहा, वो काफ़ी ज़रूरी है, और इस दिशा में सर आपकी बातों से हो सकता है कि शहर के नागरिक काम भी करें। सर, जाते जाते खास मुलाकात इस कार्यक्रम में, हमारे तमाम करोड़ों दर्शक आपको गौर से देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, ऐसे हमारे दर्शकों के लिए यदि मार्गदर्शन करना चाहो इस खास मुलाकात प्रोग्राम के जरिए इस मंच से, तो क्या करोगे आप? मार्गदर्शन संजय जी, मैं कौन होता हूँ करने वाला? दो बातें मतलब दिल की बात जो कहना चाहते हैं उनके बोलना जरूर चाहूंगा। तो देखिए कैसा है, जिंदगी में हर एक इंसान सीखता है और हर दिन इंसान सीखता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जो मैंने जिंदगी में सीखा हुआ है, आज जो मेरी उम्र हो रही है, जितना मुझे तजुर्बा है, तो मैंने एक चीज जरूर सीखी, और मेरी माँ ने, भगवान ने मुझे जो सिखाया, जो ज्ञान दिया हुआ, वो मैं शेयर करूंगा। तो भी जिंदगी में आप चाहते क्या है, व्हाट डू यू वांट, क्या करना चाहते हो आप अपनी जिंदगी के साथ में, क्या करना चाहते हैं समाज के प्रति, आप क्या करना चाहते हैं, ये हमें खुद को डिसाइड करना है। हमारी जिंदगी को हम कहाँ लेके जाना चाहते हैं, किस मुकाम पे लेके जाना चाहते हैं, तो वो चीज़ें जब, वो फैक्टर्स जब आप डिसाइड, वो देखना शुरू करते हो, तो उनको एनालाइज करना, उन फैक्टर्स को डिसाइड करना, उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाना, ये सारी चीज़ें सामने आनी शुरू होती हैं, और तब शुरू होता है आपका रिफाइनमेंट का पार्ट।
तो हर इंसान के लिए सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज है जो मैं कहूंगा, कोई मतलब ये तो डिसाइड कर लो आपको जिंदगी में करना क्या है, आप चाहते क्या हो करना अपनी जिंदगी में, तो उतना मैं बोलूंगा बस, और इससे ज्यादा मैं क्या मार्गदर्शन करूंगा। बिल्कुल, तो आप थे शहर के सुप्रसिद्ध अधिवक्ता योगेश जी नैयर साहब, जिन्होंने बखूबी और विवेक के साथ बात करते हुए तमाम पहलुओं पर रोशनी डाली है। सर, मैं आपके लिए यही कहना चाहूंगा कि हैप्पीनेस इज द एवरीडे सनशाइन ऑफ योर लाइफ। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आई बिलीव इन दैट। और इसी के साथ आज का खास मुलाकात यह कार्यक्रम यही संपन्न होता है। अगली बार फिर किसी ऐसी पर्सनालिटी को लेकर हम आपसे रूबरू करवाएंगे आपके अपने खास मुलाकात इस प्रोग्राम में। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। और सर, आज आपने समय में समय निकाल के आज जिस आप मंच ये जो साझा किया यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। नहीं, मेरी जिंदगी का एक तजुर्बा है। इट इज़ आवर प्लेजर सर। और आज आपने जो मंच साझा किया, जो हमारे दर्शकों से जो बातचीत की, उसके लिए मैं तहे दिल से फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिर किसी टॉपिक को लेकर सर को तो बुलाएंगे, और भी शहर की कुछ ऐसी पर्सनलिटी उनको भी हम बुलाएंगे। आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल इन बी सी एन न्यूज़ नागपुर। नमस्कार, धन्यवाद।